हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अपने लिए कुछ बेहतर कर रहे हो, काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे हो और जिसको लेके काफ़ी खुश हो रहे हो। ठीक है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है और किस किस से रेजोनेट होती है मुझे नहीं पता। हो जब आप कमेंट सेक्शन में बताओगे तभी मुझे पता चलेगा उन सब चीज़ों के बारे में भी। और मैं बार बार मैं मतलब बोलती हूँ, मैं कितना भी बोलूँ मतलब शब्दों में वो चीज़ें हम नहीं बोल सकते, नहीं बयान कर सकते कि आपका दिल क्या कहता है। आपका दिल बहुत कुछ कहना चाहता है, सुनना चाहता है। ठीक है, तो जितना शब्दों में आता है उतना मैं बोलती हूँ आप सभी के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच इतना सपोर्ट करने के लिए, इतने प्यारे प्यारे और दिल से कमेंट्स करने के लिए। बहुत तहे दिल से मैं आप सबका शुक्रिया अदा कर रही हूँ यहाँ पर। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी काफ़ी काफ़ी लंबे लंबे अरसों तक। ठीक है, तो फिर से थैंक यू बोल रही हूँ मैं आप सभी को, क्योंकि ग्रेटिट्यूड पे करना बहुत कहने के लिए बहुत छोटा शब्द होता है ये, लेकिन यकीन मानो ये एक किसी का आभार व्यक्त करना, जो किसी से कुछ मिल रहा है उसके बदले में कुछ देना और वो भी बड़े प्यार से, एक बिना तोल मोल के जिसका कोई मूल्य नहीं होता है, वो एक चीज़ें जब हम देते हैं ना तो यकीन मानो हम अपने आप को तो हील कर ही देते हैं, हम दूसरों को भी हील कर देते हैं। एक ग्रेटिट्यूड पे करने का एक सटीक मीनिंग मैं अपनी तरफ से देखूँ तो यही होता है। ठीक है, इसलिए बोलती हूँ कि हमेशा ग्रेटिट्यूड पे करो और आभार व्यक्त करो जो भी आपके लिए, चाहे इस पृथ्वी पे भगवान तो करते ही हैं, उनका तो हम शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन यहाँ पर आने के बाद हमारी लाइफ में एक डिफरेंट डिफरेंट जर्नी होती है, डिफरेंट डिफरेंट सोल हमसे टकराती है, कोई कुछ सिखाता है हमें, कोई कुछ सिखाता है, क्योंकि पृथ्वी पर आने का मकसद ही हमारा होता है हमारी सोल की ग्रोथ। ओके, जो कोई भी हमें कुछ सिखा रहा है, कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। मैं कुछ दे रही हूँ आपको और आप भी मुझे बहुत कुछ दे रहे हो यहाँ पर, मतलब एक ग्रोथ है, सभी की ग्रोथ है। तो वो एक जब वो चीज़ें होती हैं ना तो एक वो बहुत आगे तक वहाँ पर लेके जाती हैं हमें। ठीक है, तो सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, सब एक दूसरे को आगे की तरफ यहाँ पर लेके जाते हैं। वहीं पर हम उन सब चीज़ों को आभार व्यक्त करते चले जाते हैं, तो यकीन मानो वो जर्नी बहुत स्मूथली, बहुत प्यार से और एक प्योरिटी के साथ उन सब चीज़ें आगे की तरफ चलती हैं यहाँ पर। ठीक है, तो मैं चलती हूँ अपनी रीडिंग की तरफ। ये सब मुझे नहीं था बोलना, नहीं था, लेकिन वो कहती हूँ ना कि जब मैं यहाँ पर बैठती हूँ तो बहुत दिल से बहुत सारी दुआएं निकलती हैं आपके लिए, जो कि मुझे जब तक मैं नहीं बताऊँगी, जब तक शेयर नहीं करूँगी, शायद वो सब चीज़ें मैं आगे नहीं बढ़ पाती हूँ। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे चीज़ों को। और मैं जब प्रेयर करती हूँ तो डेफिनेटली आप सभी के लिए भी प्रेयर करती हूँ कि आप सबकी लाइफ में भी बहुत पीस हो, शांति हो, जिस जिसको जो चीज़ है, जिसकी मनोकामना पूर्ण हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आज रीडिंग यहाँ पर करने वाली हूँ और थीम मैं यहाँ पर बता देती हूँ कि एक्चुअल में आप हो कौन। ठीक है, आप अपने आप को कितना जानते हो, कितना पहचानते हो। देखो, समटाइम हम क्या होता है ना, कभी कभी हम अपने आप को समझ ही नहीं पाते कि हम है कौन। बस एक दुनियादारी में जिए जा रहे हैं, बोझ लिए जा रहे हैं, कि हर्ट हुए जा रहे हैं, बिना मतलब के हम सेड हुए जा रहे हैं नहीं लेना है उसे भी लिए जा रहे हैं, जिसे नहीं देना है उसे दिए जा रहे हैं मतलब आप समझ रहे हो। हाँ, तो वही सब चीज़ें मैं यहाँ पर, मेरा एक पर्पस है कि हाँ, मैं आपको आपसे रूबरू करवाऊँ, आप पहचानो अपने आप को कि आप कौन हो।
ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर नहीं आते हैं हम इस अर्थ पर। भगवान हमें बहुत कुछ सीखने के लिए भेजता है, लेकिन यहाँ पर 3D में हम फंस जाते हैं। इस मोह माया दुनियादारी ये सब निभाते निभाते हम कहीं और ही चले जाते, कहीं और का ही रास्ता और कहीं और का ही रुख हम मोड़ लेते हैं। ठीक है, तो आज मेरा थीम यही है कि आप कौन हो एक्चुअल में, आप अपने आप को जानते हो, पहचानते हो? आप जो भी चीज़ें मैं यहाँ पर निकलेगी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगी, ठीक है। और मैंने यहाँ पर आज 2 पॉइल रखी हुई हैं, मैं चाहती हूँ कि उसको डीपली थोड़ा सा करूँ और जितना मुझसे हो सकता है मैं कर रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि मैं चाहती हूँ दिल से, ठीक है। तो इसमें से आपको करना क्या है, एक पॉइल चूज़ करना है हमेशा की तरह पीस से, शांति से, ओके। और बस, या आप कलर से भी जा सकते हो और मीनिंग लिखा हुआ है उससे भी आप जा सकते हो, ठीक है। ये है फर्स्ट पाइल एंड सेकेंड पाइल। फर्स्ट पाइल है रिन्यूअल। रिन्यूअल का मीनिंग होता है परिवर्तन, ठीक है। हम अपनी ऊर्जा को कैसे चेंज कर सकते हैं, हम अपने आप को कैसे बदल सकते हैं, टोटली अपने आप को अंदर से बदल देना, अंदर से चेंज कर देना, ठीक है। ये रिन्यूअल फर्स्ट पाइल एंड सेकेंड पाइल रिकवरी। सेकेंड पाइल है रिकवरी। आप इसके ब्लू कलर है उससे भी जा सकते हो, या कार्ड के ऊपर जो मीनिंग लिखा हुआ है उससे भी आप जा सकते हो, ठीक है। रिकवरिंग मतलब आप अपने आप को कितना आगे की तरफ लेके जा रहे हो, कितना आपने अपने ऊपर काम किया है, कितना आप अपने अंदर चेंजेस यहाँ पर देख रहे हो। एक कहते हैं ना, हम एक किसी जैसे हमें फीवर है, हम फीवर से कैसे रिकवर होते हैं, एक बेटर 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 इस सिचुएशन में हम जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। तो ये वही है, ठीक है। मैं ये है हमारा एक कलर से भी आप इसको ले सकते हो और मीनिंग से भी आप इसको ले सकते हो, ओके। टाइम में अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर ही देती हूँ, वहाँ से आप देख लेना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही है, वहाँ पर मैंने ऐड कर रखा है, वहाँ से भी आप देख लेना, ठीक है, जिसको पर्सनल रीडिंग चाहिए। और प्लीज़ व्हाट्सएप पर मैसेज ही करें, कॉल ना करें, ठीक है। और तो और क्या, बस चलते हैं रीडिंग की तरफ कि आप कौन हो, आप अपने आप को कितना जानते हो, कितना पहचानते हो, ठीक है। तो मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ रिन्यूअल से, फर्स्ट पाइल से। हाय पाइल वन, तो जिसने भी ये रिन्यूअल का कार्ड चूज़ किया था उसकी रीडिंग मैं यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ, ओके। और पाइल वन, प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो, और जिसने किया है थैंक यू, जिसने नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर करो, ओके। और मैं इस कार्ड से आपको ये बताऊं कि आप अपने बारे में क्या जानते हो, आप हो कौन, ठीक है। तो यहाँ पर ये है, अभी मैं फर्स्ट मैसेज आपके लिए देख रही हूँ कि शायद आपको ये ही नहीं पता अभी तक, सच मानो आपको पता ही नहीं है कि आपके अंदर कैसी ऊर्जा है, कैसी एनर्जीज है। आपके अंदर मतलब इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं, इतना पावरफुल, एक कहते हैं ना, एक खिंचाव है आपकी तरफ कि हर किसी को आप अपनी तरफ खींच सकते हो, ठीक है। जिसको चाहो वो आप अपनी एक, मैं इंसानों की बात नहीं कर रही हूँ पहलवान, ओके, मैं यहाँ पर बात कर रही हूँ हर वो चीज़ की जिसे कुदरत ने बनाया है, ओके। वो हर चीज़ जिस तरह से क्या है, नेचर, हवा, पानी, एक प्रकाश, एक धूप, हर चीज़ जो इस कुदरत ने बनाई हुई है ना, वो हर चीज़ आपके अंदर है। और उस चीज़ को चाहो ना आप तो खुद महसूस कर सकते हो पहलवान। आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ भगवान ने दे रखी है, आप पता है अपने आप को बिल्कुल, आप अपने आप से ही अनजान बैठे हो, अपने आप से ही कहीं ना कहीं, शायद मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है आपसे कि शायद आपने अपने आप से ही मुंह मोड़ लिया है, ठीक है। आप कुछ शायद
समझना ही नहीं चाहते या सुनना ही नहीं चाहते कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है। एक वो कहते हैं ना कि शायद आपके आपका ये मानना है कि आप कुछ नहीं हो सकता, मेरे लिए ये सारे कुदरत ने दरवाजे बंद कर दिए हैं, अब मैं कहीं से नहीं निकल सकता, अब मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है, तो शायद ये किसी किसी के लिए मैसेज हो सकते हैं यहाँ पर पायलवन। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बताऊँ पायलवन, कि जितना आप अपने आप को वीक मान रहे हो, वीक समझ रहे हो, ऐसे हो नहीं, उसका अपोजिट कर लीजिए आप बस। ओके, आप अंदाजा नहीं लगा सकते डियर, आपके हाथों में पता है इतनी पावरफुल एनर्जीज हैं, इतनी पावर, आप जो अपने हाथों से कुछ भी करोगे ना, उसमें आपको, आपके हाथों में एक बहुत पॉजिटिविटी है, एक ऊर्जा, एक निकलती है ना ऊर्जा, वो किसी में भी लगेगी ना। वहाँ पर वो कहते हैं ना, सोने को, मिट्टी को सोना कर सकते हो आप, लेकिन आप, आपका जो कहते हैं ना बिलीफ सिस्टम, आप शायद अपने आप पर विश्वास नहीं करते हो, आपको हर चीज़ करना पसंद है, हर काम करना पसंद है, बहुत दिल से करते हो, बहुत दिल से चाहते हो हर काम को करना, लेकिन एक कहते हैं ना नींव, नींव जो होती है ना हमारा, नींव होता है हमारा विश्वास, हमारा कॉन्फिडेंस, हम कितना, कितनी गहराई में जाते हैं और चीज़ों को कितना समझना चाहते हैं और किस हद तक हम समझ लेते हैं। ठीक है, वो यहाँ पर मैं आपका थोड़ा सा वीक देख रही हूँ। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। एक अपने लिए अलग से एक जगह बनाओ, अपने लिए टाइम निकालो, अपने खुद को पहचानो कि मैं कौन हूँ, अपने आप पर काम करना शुरू करो यहाँ पर पायलवन। अगर आप ज़िंदगी सच में जीना चाहते हो, एक अपने लिए कुछ करना चाहते हो, तो यकीन मानो वो कहीं से कुछ नहीं मिलने का है आपको, कि कोई कुछ दे देगा। आप शायद, मुझे ऐसा लगता है ना, बहुत ज़्यादा, मतलब हर आपकी उम्मीद है ना हमेशा, शायद, सॉरी यहाँ पर आ रहा है तो मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोगों के लिए, आप ना दूसरों से उम्मीदें बहुत ज़्यादा लगा कर रखते हो। ठीक है, कहते हैं ना उम्मीदें दूसरों से जहाँ हम लगा लेते हैं ना, असली असली दुख का कारण, मेन एक हमारा जो रीज़न होता है ना, हमारी परेशानी, हमारे डिप्रेशन में जाने का कारण वही होता है पायलवन, कि हम जब अपनी लाइफ को दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं, अपनी खुशियों को जब हम दूसरों पर डिपेंड कर देते हैं ना, वहाँ पर क्या होता है, फिर हमारी सारी ज़िंदगी दूसरों पर निर्भर हो जाती है, फिर हम दूसरों के ऊपर ही जीने लगते हैं, उसी के लिए हम मरना, उसी के लिए जीना, उसी के लिए सोना, उसी के लिए उठना, ये हमारी लाइफ हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, अपने आप को पहचानो, आप कौन हो। आप जब तक अकेले में नहीं बैठोगे, अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आपको अपने अंदर चेंजेस लाने की ज़रूरत है, अपने अंदर बदलाव लाने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ों को समझो। आपके अंदर भी भगवान ने बहुत सारी स्किल्स दे, हुनर हैं, एक उनको आप अपनी शक्तियों, अपने हुनर को पहचान कर, ठीक है, सिर्फ आपको करना क्या है, सिर्फ शांति में, पीस में जाके अपने आप को पहचानो और समझो, जानो कि हाँ, मुझे भी भगवान ने कुछ दिया है, मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, और वो सिर्फ आपके हाथों में है, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ आपको एक एक फीलिंग लानी है, एक महसूस करना है अपनी चीज़ों को। ठीक है, सिर्फ महसूस करने की देर है। आप यकीन मानो एक बहुत बड़े हीलर भी बन सकते हो आप, हीलिंग पावर है आपके हाथों में, जिसे आप इग्नोर कर रहे हो, जिसे आप समझ नहीं रहे हो। ठीक है पायलवन, बोलने को बहुत कुछ बता सकती हूँ मैं यहाँ पर, लेकिन फिर लॉन्ग हो जाएगी वीडियो, तो अब मैं देखती हूँ टेरो से आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, आप अपने आप को कितना जानते हो पायलवन, आप अपने आप को कितना जानते हो, आप कौन हो। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू।
अपने आप को कितना जानते हो, कितना जानते हो। ओके, टू कार्ड्स है, वन कार्ड और ले लेती हूँ मैं यहाँ पर। यहाँ पर देखो थर्ड कार्ड आया, नीचे गिर गया था ये। फर्स्ट कार्ड आया था आपका सिक्स ऑफ वैंड्स एंड डेथ एंड नाइन ऑफ वैंड्स, ठीक है। जो कि अब मैं क्या बोलूँ अब आपको, जो यहाँ पर इस कार्ड से मैंने सब कुछ ऑलरेडी आपको बता दिया। अगर आप पाइल वन, अगर आप अपने आप को दूसरों के ऊपर, ठीक है, दूसरों से चाहना, दूसरों से उम्मीदें लगा के रखना, एक दूर से ही चीज़ों को देखना, दूर से ही बहुत सारी चीज़ों की इच्छाओं को रखना, लेकिन यहाँ पर आप, आपको पता नहीं है कि आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी स्ट्रेंथ है, कि आप हर जगह, आपको अगर आप एक एक्शन लेते हो, अगर आप एक स्टेप भी आगे बढ़ाते हो, एक स्टेप भी आप आगे चलते हो, अपने आप को जब पहचान जाओगे ना कि आपको हो कौन, आप है ना ऐसी शख्सियत हो कि आपको देखकर है ना जो कुछ आप काम करोगे ना उसको देखकर आपके पीछे पीछे लोग आपको फॉलो करेंगे। लेकिन आप अपने आप को पहचानो तो सही, एक्चुअल में आप हो कौन। आपको करना है अपने अंदर चेंजेस, अपने अंदर बदलाव, अपने अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपको टटोलने की ज़रूरत है। यकीन मानो आप जब अपनी पावर में आओगे, डेथ का कार्ड क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन, परिवर्तन, एक हम जब अपनी पावर में आते हैं, डेथ को देखकर ऐसा नहीं लगता है कि कितना निडर है ये, इससे किसी चीज़ का डर नहीं है, भय नहीं है, ये बिना मतलब बिना सोचे समझे सिर्फ अपनी अपने कॉन्फिडेंस के बल पे, अपने आत्मविश्वास के बल पे ये सिर्फ आगे बढ़ा जाए। इसे ये डर नहीं है कि मैं क्या होगा मेरे साथ, नहीं। और वो चीज़ होना बहुत ज़रूरी होता है हमारे अंदर, ठीक है। जब हम इसने अपने आप को पहचाना है, ये अपनी पावर में आया है, इसके आगे सर सब झुके हैं, इसके आगे डेथ मतलब एक बहुत बड़ा बदलाव हमारे खुद के अंदर, एक इनर स्ट्रेंथ हमारी बढ़ जाना। तो यहाँ पर आपको काम करना है अपने ऊपर, अपने आप को जानो, अपने ऊपर पहचानो, ठीक है। यहाँ पर आप पीस में रहते हो, शांति में रहते हो, एक बदलाव करते हो आप अपने अंदर, तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपकी आपको बारे में पता चलेंगी कि आप हो कौन एक्चुअली में। आप एक बहुत पावरफुल, एक ऐसे शख्सियत है आपके अंदर, ऐसा एक हुनर है आपके अंदर कि जिस रास्ते पर आप चल दोगे ना, यकीन मानो आपको वहाँ पर बहुत लोगों का एप्रिसिएशन मिलेगा, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, आपको सक्सेस मिलेगी हर चीज़ में, ठीक है। आपको दूर से देखने की ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ज़्यादा आप वेटिंग मोड में रहते हो, दूर से निहारते हो चीज़ों को, वेट करते रहते हो कि कोई आएगा, कोई मुझे उठाएगा, कोई ले जाएगा, नहीं वो नहीं करना है। आप जब आप अपने आप को पहचानोगे, अपने आप को समझ जाओगे ना पाइल वन, तब आप अपनी पावर में यहाँ पर आ जाओगे, ठीक है। आपको करना है अपने अंदर बदलाव, सिर्फ अकेले में आपको बैठने की ज़रूरत है, अकेले में आपको अपने ऊपर यहाँ पर काम करने की ज़रूरत है। यकीन मानो जब आप अपने लिए टाइम निकालोगे, मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, अपनी चीज़ों को जान जाओगे, समझ जाओगे, तब वहाँ पर क्या होगा, आप शायद जानते नहीं हो अपने आप को। सबसे बड़ी चीज़ मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रही है आपकी, ठीक है, एक बदलाव है जो आपको अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। उस बदलाव से आपको जो चीज़ें आप चाहते हो वो आपके जीवन में आ सकती है, एक बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव,
ठीक है, और मैं यहाँ पर आप कर रहे हो, मुझे अभी फीलिंग आई है, कर रहे हो बहुत सारी चीज़ों को आप कर रहे हो, लेकिन एक जो एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए ना, एक जो वाकई वो चीज़ें रखनी चाहिए, एक दिल से होनी चाहिए, वो शायद एक थोड़ी सी मिसिंग है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर वही है कि आप जितना अपनी चीज़ों को संभालोगे, अपनी चीज़ों को कंट्रोल में करोगे, उतना आप अपने आप को और समझ पाओगे। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है क्या मैसेज है, आपको एक जगह रुकना नहीं है, एक जगह किसी का इंतज़ार नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। आपकी जर्नी बहुत लंबी है, आपको बहुत लंबा जाना है। आप क्या हो, एक जगह रुके हुए हो, लेकिन नहीं, उठो आगे बढ़ो। बहुत एक कहते हैं ना, लंबी रेस का घोड़ा वो हो आप। ठीक है, मैं यहाँ पर एनर्जी टेक से निकालती हूँ आपके लिए। यहाँ पर आप, पता है आपके अंदर इतनी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे आपने ना छुपा के रखा हुआ है, उसे शायद आप बाहर आने नहीं देते हो कि नहीं, एक वो कहते हैं ना, एक डर कि लोग क्या कहेंगे, मैं उन सब चीज़ों को बताऊंगा तो क्या क्या रिएक्शन आएगा लोगों का मेरी तरफ, क्या समझेंगे, क्या मतलब मेरे बारे में क्या इमेज बनेगी, लोगों को शायद मेरी तरफ आएंगे, मैं सक्सेस होऊंगा कि नहीं होऊंगा, वो सारी चीज़ों को लेकर आप है ना एक जगह बैठे हुए हो। ठीक है, लेकिन वो नहीं, सिर्फ आपको आगे की तरफ बढ़ना है और आगे की तरफ यहाँ पर जाना है आपको। फिर देखो, जब आप एक्शन लोगे, उठोगे, चलोगे, तब वहाँ पर, तभी तो आपको पता चलेगा। आप पहले से ही पहले अपने माइंड में किसी चीज़ को इमेजिनेशन ना बनाओ, और वो भी गलत धारणा, एक जो होती है ना, क्या होता है ना पहलवान, कि हम ऑलरेडी हम जब पहले से पहले अपने बारे में सोच लेते हैं, हाँ मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, तो वहाँ पर क्या होता है, हम खुद ही वहाँ पर अपना एक सर्किल बना लेते हैं और हम खुद ही वहाँ से नहीं निकल पाते। ठीक है, करने से पहले, तो वो नहीं करना है आपको। ठीक है, स्टेप लो, आगे बढ़ो, और जो होगा वो उसको देखो तो सही, आप अपनी सोच अपने सामने मत रखो, एक दूसरों को भी तो मौका दो। ठीक है, तो पायलवन ये था कि आप अपने आप को कितना जानते हो। यहाँ पर आपको अपने अंदर बहुत चेंजेस, बदलाव करने की ज़रूरत है, अपने पावर में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर चीज़ों को देखना नहीं है, उन्हें फील करो, महसूस करो, सक्सेस एक कहते हैं ना, सब कुछ आपके हाथ में है, बस आपको एक एक जब एक आपने एक्शन ले लिया ना, फिर वहाँ पर कुछ भी नहीं है, फिर तो आगे ही आगे बढ़ना है। फाइनेंशियल स्टेबलनेस, यहाँ पर देखो आपने है ना बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है, वो आपका फाइनेंशियली शायद एक क्रेश होता है ना, कि हाँ मुझे अब, एक कहते हैं नहीं कि हमारे हाथ में जब कुछ चीज़ें नहीं होती हैं और सब कुछ हम खाली होके बैठे रहते हैं, कुछ भी नहीं होता है, तब देखो ठीक है, कोई बात नहीं, होती है, सिचुएशन आती है, हम ऐसा फील करते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा भी तो आता है कि उसका सॉल्यूशन भी तो होता है ना, उसका सॉल्यूशन भी तो निकाला जाता है ना, और उस सिचुएशन से निकलने का यही तरीका है, हमें उसमें फंसना नहीं है, उसके बारे में, वहाँ से निकलने के बारे में हमें सोचना पड़ेगा, आपको वही करना है। ठीक है, आपकी जैसी भी सिचुएशन है, फाइनेंशियली वीक हो या कुछ अपने कैरियर पे कुछ कर नहीं पा रहे हो, अपने अंदर चेंजेस बदलाव नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ आपको अपने ऊपर विश्वास रखो, एक होप होती है वो बनाकर आपको रखने की ज़रूरत है। हाँ कभी भी मेरा भी टाइम आएगा, मैं भी एक पावरफुल एनर्जीज में रहूँगा, मेरे अंदर भी काफ़ी चेंजेस होंगे, बदलाव होंगे। ठीक है, यहाँ पर वो एक पॉजिटिव सोच आपको अपने अपने अंदर यहाँ पर बनाने की ज़रूरत है। पायलवन, यहाँ पर मैं है ना थोड़ा सा आपके लिए देख रही हूँ कि आप थोड़ा सा अपने आप को फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा वीक मान रहे हो,
द थिंकिंग वूमेन। देखो आपके हाथ में, पता है आप, आपकी शायद है ना मेमोरी और आपकी याददाश्त जो है ना वो बहुत, मतलब बहुत तेज हो सकती है, ठीक है, या है, लेकिन आप ऐसा सोचते हो कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, मैं मतलब मुझे कुछ चीज़ें करना या और एक करके छोड़ देना, उसमें बहुत अंतर होता है, ठीक है। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप एक स्टेप तो लो, करो तो सही, बढ़ो तो सही, कुछ चीज़ें सीखो तो सही। वो सारी चीज़ें हैं कि आप है ना, करने से पहले ही शायद हार मान लेना, वो है कि आप वो नहीं करना है आपको, ठीक है। आप समझो आपकी मेमोरी बहुत शार्प है, आपकी याददाश्त है ना बहुत तेज है, तो आपके आपको उसके ऊपर और काम करने की ज़रूरत है, उसको चलाना है भाई, उसको उसको एक जगह स्टक नहीं रखना है, ठीक है। आप चाहो ना तो उसको, एक कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को हम लर्न करके, सीख करके, काम कर करके हम बहुत कुछ ज्ञान ले सकते हैं, बहुत कुछ पहचान सकते हैं हमारे अंदर क्या चीज़ें हैं ऐसी। यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको नॉलेज लेने की ज़रूरत है, बुक रीड करने की ज़रूरत है, जहाँ से भी जो ज्ञान आपको मिलता है ना वो ले लो, ठीक है। ज़्यादा सोच विचार करने की ज़रूरत नहीं है, आप आधा टाइम तो मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा सोचने में निकाल देते हो यहाँ पर पाइल वन। तो कुछ भी करो लेकिन उसके बारे में गलत चीज़ों का एक इमेजिनेशन अपने आप में नहीं बनाना है, ठीक है। आपको सिर्फ अपना, आपका माइंड बहुत तेज है, बहुत मेमोरी आपकी बहुत शार्प है, बहुत पुरानी पुरानी बातें शायद आपको याद रहती होंगी, ठीक है। एक ये शायद इस चीज़ को आप जानते हो या ना जानते हो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी यहाँ पर है, ठीक है, कि आप अगर किसी चीज़ को ध्यान से एक बार पढ़ लोगे ना, ध्यान से किसी काम को कर लोगे ना, मन लगा के, दिल लगा के, यकीन मानो आप अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर आपको अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है तो आप अपने ऊपर काम करके टीचिंग लाइन में भी जा सकते हो, आजकल बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी है जो आप उन सब चीज़ों के ऊपर काम कर सकते हो यहाँ पर। बस शर्त यही है कि आपको अपनी पावर में आने की ज़रूरत है। यहाँ पर एक मैसेज यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक वो कुदरत की बनाई हुई चीज़ों पर आपको विश्वास करने की ज़रूरत है, उनके एक कनेक्शन यहाँ पर आपको बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपको, यहाँ पर आपके रूट चक्रा, ठीक है, जो कि ग्राउंडेड अर्थ से जुड़ा रहता है, हम आपको है ना पृथ्वी से एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करने की ज़रूरत है, उसे लेने की ज़रूरत है, रिसीव करने की ज़रूरत है, ताकि आपके अंदर एक डर, भय और एक वो सारी चीज़ें हट सके यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप बहुत, मतलब एक माइंड, आपके हाथों में बहुत पावरफुल एनर्जी है, शायद आप, आपने अभी तक अपने आप को जाना ही नहीं है, अपने आप को पहचाना ही नहीं है। आप बहुत बहुत नॉलेज है आपके अंदर, लेकिन वो उस नॉलेज का अभी तक आपने कभी कुछ यूज़ ही नहीं किया है। पाइल वन, बहुत आपने एक टाइम पे बहुत सारी अपनी नॉलेज लिए, बहुत रीड करी है बुकों को, बहुत गहराई से आपने बुकों को जाना है, समझा है कि हाँ किया है, काम किया है आपने, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा और, पर सोच विचार नहीं करना है, ठीक है। किसी चीज़ का गिल्ट भी है आपके अंदर तो वो गिल्ट मत रखो, ठीक है। एक टाइम होता है हर चीज़ का, जिस टाइम पे जो चीज़ें हैं वो आनी ही आनी है आपके पास, ठीक है। द फैमिली, देखो यहाँ पर आप है ना, ये आप जानते हो कि नहीं जानते हो, आप है ना बहुत अपनी फैमिली के बहुत निकट हो, बहुत मतलब एक अपने
अपनी फैमिली को जो प्रोटेक्ट करता है ना, हमेशा उसकी केयर करता है, संभालता है उसको, हर चीज़ को, एक कहते हैं ना कि जिसके अंदर अपने परिवार को लेके प्यार होता है, यकीन मानो वो एक बहुत ज़्यादा एक इमोशनल होता है, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लिए रहता है, बहुत कहते हैं ना कभी भी किसी भी सिचुएशन में अपनों का साथ नहीं छोड़ना, हर सिचुएशन में अपनों के साथ रहना, उनकी खुशियों का ध्यान रखना, अपने परिवार का ध्यान रखना, अपने फैमिली में चाहे कोई भी हो उन सबका एक ले के साथ में चलना, ठीक है। ये मेन आपकी एक एक बहुत अच्छी बात है यहाँ पर कि आप ऐसे पर्सन हो, ऐसी सोल हो आप, ठीक है, जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भली भांति जानता है, अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करना जानता है यहाँ पर, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा आप अपनी फैमिली को एक कहते हैं ना सिक्योर आप करना चाहते हो और काफ़ी चीज़ों के ऊपर आप वर्क करना चाहते हो, उसे वो आप ऐसे हो कि आप है ना अपनी अपनी फैमिली को हर तरह की खुशियां आप यहाँ पर देना चाहते हो, हर तरह की एक लग्जरी चीज़ें जो होती है ना, सुख सुविधाएं, वो प्यार, वो सारी चीज़ें आप देना चाहते हो यहाँ पर, ठीक है। आप ऐसे हो, आपके अंदर प्यार है ना बहुत ज़्यादा रहता है अपनों के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपनी फैमिली के लिए, ठीक है। यहाँ पर मैं चक्र से देखती हूँ, थैंक यू। मैं यहाँ पर ये बताऊँ कि अभी तक आपने अपने आप को कितना जाना है, कितना समझा है, वो सब चीज़ें अब यहाँ पर छोड़ दो। लेकिन अगर आप अपने ऊपर यहाँ पर काम करते हो, चेंजेस लाते हो अपने ऊपर, तो यकीन मानो आप अपनी अपनी पावर में आ सकते हो, तो बहुत बड़ी एक कहते हैं ना बहुत बड़ा बिग चेंज, एक ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर आप अपने अंदर लाते हो, तो यकीन मानो आप बहुत कुछ वो चीज़ें हासिल कर लेते हो जो आप चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट कार्ड है आपका कि आप है ना अगर आप अपने अंदर चेंजेस लाते हो, आप है ना बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव भी हो, ठीक है। एक कहते हैं ना कि जब हमें भगवान पहले से पहले बहुत सारी चीज़ों को बता देता है, समझा देता है, एक वो कहते हैं ना जगा देना, एक नींद से हमें जगा देना, वो शायद आपका एक जगने का टाइम है कि उठो बच्चे, ठीक है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, अब टाइम तुम्हारा है, एक टाइम आपका अपना है, ठीक है, क्या करना चाहते हो करो, उठो यहाँ पर, पहचानो यहाँ पर, यही है कि आप है ना आपको अकेले में थोड़ा सा टाइम स्पेंड करो, शांति में, पीस में आपको रहने की ज़रूरत है, मेडिटेशन, नेचर, यहाँ पर मैं बहुत क्योंकि देखो प्रकृति में ही सब कुछ है, जो पर्सन ग्राउंडेड रहते हैं ना वो यकीन मानो उसके वो खुद ही अपने आप में बैलेंस रहता है, ठीक है। बैलेंसिंग मतलब उसको सांसारिक सुख, पारिवारिक सुख, मन की शांति, तन की शांति, ये सब चीज़ें मैं यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। और जब जिसके पास ये सारी चीज़ें हैं, मतलब उसके पास दुनिया की सारी चीज़ें हैं, मेरा कहने का मीनिंग यहाँ पर वही है, ठीक है। आपको इंट्यूशन आता होगा लेकिन आप समझ नहीं पाते हो, क्योंकि आपकी थर्ड आई अभी काफ़ी कुछ बताना चाहती है लेकिन अभी तक आपसे वो चीज़ें समझ नहीं पा रहे हो, क्योंकि वो चीज़ें अभी आपसे हिडन है। थैंक यू। एक मैं यहाँ पर ये कहूँ कि बहुत बड़ा बिग चेंज है आपके अंदर, अगर आप चाहते हो तो बहुत बड़ा बदलाव आप अपनी लाइफ में कर सकते हो। इम्पेशेंस, ठीक है, यहाँ पर देखो आपको है ना कभी कभी जल्दबाजी भी हो जाती है शायद आपकी, कि हाँ मुझे फटाफट सारी चीज़ें मिल जाए, बहुत पेशेंस रखा है आपने, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आप इनपेशेंस हो जाते हो कि हाँ मुझे जल्दी से जल्दी ये सारी चीज़ों को लेना है, करना है, तो यहाँ पर थोड़ा सा ये है कि आपको पेशेंस यहाँ पर रखना है। डेफिनेटली आपको वो सारी चीज़ें प्रभु परमात्मा आपके ईश्वर देंगे जिसे आप चाहते हो, ठीक है।
पर यहाँ पर यही सारी चीज़ें हैं कि आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है, अपने ऊपर काम करना है, अपने आप को जानो कि आप कौन हो। ठीक है, यहाँ पर यही है कि ज़्यादा सोच विचार मत करो, आगे बढ़ो, एक्शन लो, ताकि आप अपनी सिचुएशन को, अपनी फैमिली को सिक्योर कर सको और भगवान की तरफ यहाँ पर आगे बढ़ सको। ठीक है, यहाँ पर मैं एंजल से देखती हूँ कार्ड से। थैंक यू एंजल्स। होप, इसे तो आना ही था। फाइल वन, ठीक है, एक है, मैंने ये शब्द आपको पहले भी बोला था, आपके अंदर बहुत होप है, बहुत नॉलेजेबल एक सोल है आपके अंदर, उसे जगाने की आपको ज़रूरत है। और वो कब जागेगी, उसे कब जगाओगे आप? वो जगाओगे जब आप अपने ऊपर काम करोगे, पीस में रहोगे, शांति में रहोगे, अपनी एनर्जी को बैलेंस करोगे। ठीक है, एक ज़बरदस्त होप है आपके अंदर कि मेरे साथ सब ठीक होगा, मैं भी एक अपनी पावर में आऊँगा। बिल्कुल डेफिनेटली आओगे आप। यहाँ पर एक, यहाँ पर यही मैसेज है कि आपको है ना इस होप को बना के रखने की ज़रूरत है। इसे ऐसे ही कंटिन्यू करते रहना है आपको। कहते हैं ना उम्मीद, उम्मीद तो जीने का एक सबसे बड़ा जरिया होता है। ठीक है, उसे नहीं खोना है आपको। एक होप आपको बहुत कुछ कहाँ से कहाँ लेकर आ गई है, आप यकीन मानिए। ठीक है, और जो कि है, थैंक यू एंजल्स, बहुत एकदम आप हार नहीं मानते हो, बहुत जल्दी हार नहीं मानते हो आप, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, कितनी भी सिचुएशन खराब हो जाए। एंजल ऑफ रेगुअल रिलेशनशिप एंड एंजल ऑफ फेथ। ठीक है, यहाँ पर देखो आपको है ना आपके रिलेशनशिप में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक आप उन सब चीज़ों को शॉर्ट आउट नहीं कर पाए हो और करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप यकीन मानिए आपके पास वो सारी चीज़ें हैं कि आप बहुत कुछ अपनी चीज़ों को सुधार सकते हो, बहुत कुछ चीज़ों को बैलेंस कर सकते हो। सिर्फ यहाँ पर आपको ज़रूरत है अपने ऊपर विश्वास करने की, अपने ऊपर एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको अपना हाई बनाकर रखना होगा। ठीक है, कि हाँ मैं भी एक पावरफुल सोल हूँ, मुझे भी यहाँ पर कुछ करना है, और डेफिनेटली हो आप। सिर्फ आपको अपनी आपके अंदर बहुत सारे चेंजेस आप देख रहे होंगे और उन्हें चेंजेस को आपको कबूल करना है, उसे महसूस करना है। ठीक है, अपने ऊपर विश्वास रखो, आप हो कौन, आप सब कुछ जानते हो, शायद समझते हो, लेकिन फिर भी एक कहीं ना कहीं घिरे हुए हो, उस घेराव से आपको निकलने की ज़रूरत है, ताकि आप अपने आप को जानो, अपने आप को समझो। ठीक है, पाइल वन एक मेरा पर्पस यही है कि आप लोग जितना आप अपने आप से जुड़ोगे, अपने आप को जानोगे, उतना आप अपनी चीज़ों के ऊपर ध्यान लगाओगे। ठीक है, यहाँ पर मेरा मेन मीनिंग यही रहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपनी चीज़ों के ऊपर फोकस करो। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपने लिए जो नॉलेज है वो यहाँ पर लेने की ज़रूरत है। ठीक है, पाइल वन ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, एंड बाय पाइल वन। हाय पाइल टू, तो जिसने भी ये पर्पल कार्ड चूज़ किया था रिकवरी का, उसकी रीडिंग में यहाँ पर स्टार्ट कर रही हूँ। और थैंक यू बोलना चाहती हूँ सभी के लिए जो वीडियो को लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, और जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ वो ज़रूर करें। ठीक है, तो इस कार्ड से मैं ये बताऊं कि आप अपने आप को कितना जानते हो, कितना समझते हो। ठीक है, ये कार्ड मुझे आपके लिए यही बता रहा है कि आप है ना आप अपने बारे में चीज़ों को जानना चाहते हो, समझना चाहते हो कि हाँ मुझे अभी कहाँ पर क्या काम करने की ज़रूरत है। बहुत सारी चीज़ें आपको पता चली हैं अपने बारे में, आप अपनी चीज़ों को कहते हैं ना कि हाँ एक कहते हैं ना कि कोई चीज़ें आपको दे दी गई हैं। ठीक है, बता दिया गया है,
लेकिन अब इसका यूज़ कैसे करना है, इसे किस तरीके से यूज़ किया जाता है, इसको कहाँ इस्तेमाल करूँ मैं, ठीक है, ये है क्या। वो कहते हैं ना, किसी चीज़ को हम जब परखने लगते हैं, किसी चीज़ को हम जानने लगते हैं, तो वो एक चीज़ें हैं कि हाँ आपको पता चला है, आपको दे दी गई है, लेकिन अब इसका करना क्या है, क्या करूँ मैं। तो एक आप है ना, आप अपने बारे में तो बहुत कुछ चीज़ों को जानते हो, बहुत कुछ चीज़ों को समझते हो, काफ़ी एक सुलझे हुई एनर्जी में यहाँ पर देख रही हूँ पाइल टू। और क्योंकि है ना, आपको एक रास्ता दिखाया जाता है, ठीक है, एक रास्ता बताया जाता है। आपने शायद भगवान से बहुत ज़्यादा प्रेयर करी है, प्रार्थना करी है किसी चीज़ के लिए, तो उसका काफ़ी चीज़ें आपको गिफ्टेड मिली हैं, गिफ्ट के रूप में आपको मिली हैं चीज़ें, ठीक है। तो उस गिफ्ट को एक कहते हैं ना कि हाँ मुझे ये चीज़ें दे दी गई हैं, मेरे पास हैं, लेकिन अब मैं इनको कैसे कैसे लेके कैसे परोसूँ, उनको कैसे यूज़ करूँ, कैसे सर्व करूँ उन सब चीज़ों को। यहाँ पर आप है ना, अपने बारे में बहुत कुछ जानते हो पाइल टू। मैं अभी इस कार्ड से आपके बारे में इतना ही बताती हूँ, और उन सब चीज़ों को है ना शायद आप सीख रहे हो, अभी लर्निंग स्टेज पे मुझे यहाँ पर आप नज़र आ रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर टेरो से देखती हूँ आप अपने आप को कितना जानते हो। थैंक यू। पाइल टू कार्ड फोल्ड हुआ था। माय गॉड, फर्स्ट कार्ड नाइन ऑफ पेंटिकल्स। ये तो हमें पता ही था पाइल टू। बिल्कुल आपने है ना पाइल टू बहुत आप अपने आप को जानते हो, समझते हो कि मेरा रास्ता कहाँ है, मुझे क्या करने की ज़रूरत है, मुझे अपना समय कहाँ पर लगाना है, ठीक है। एक को कहते हैं ना, आपने बहुत काम किया है, बहुत गहराई से आपने अपनी चीज़ों को जाना है, समझा है। और वो कहते हैं ना कि जब हम अपने साथ समय बिताते हैं, अपनी चीज़ों को जानते हैं, उनको प्यार से हैंडल करते हैं, ठीक है, और फिर उनके साथ जब हम एक किसी चीज़ को गहराई से जब हम जान लेते हैं ना, समझ लेते हैं एक, तो वहाँ पर सारी चीज़ें, हमारे सारे डाउट्स दूर हो जाते हैं, ठीक है। तो पाइल टू में यहाँ पर वही सारी चीज़ें आपके लिए देख रही हूँ कि आपने है ना हाल फिलहाल में, अब भी हाल फिलहाल में आपने है ना अपने आप को जाना है, अपने आप को समझा है कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ, किस लिए आया हूँ, ठीक है। आपने है ना, उससे पहले आपने शायद अपने आप को जाना ही नहीं था। हार्डली मैं टाइम भी बताऊँ आपका, एक या दो साल, उससे पहले आप शायद कहीं और ही गोता लगा रहे थे पाइल टू। तो यहाँ पर देखो पाइल टू, आप है ना अभी की सिचुएशन में आपको बताती हूँ, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, अपने आप को जान पा रहे हो, अपनी चीज़ों के साथ काफ़ी खुश हो, ठीक है। एक कहते हैं ना सेटिस्फेक्शन में यहाँ पर आपका फील कर पा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा आप अपनी चीज़ों के साथ काफ़ी खुश नज़र आ रहे हो मुझे यहाँ पर, ठीक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स काफ़ी एक अबंडेंस को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, और शायद है भी आपके पास, और उन सब चीज़ों को लेके आपका आपका रवैया भी काफ़ी, उस आपकी लाइफ स्टाइल भी काफ़ी चेंज में यहाँ पर देख रही हूँ कि काफ़ी आपने ना रफ़ एंड टफ़ वाली लाइफ को आप अब जीने वाले हो यहाँ पर, ठीक है। आप अपने आप को बहुत बेहतर तरीके से आप जानते हो, अपने आप को समझते हो कि मैं हूँ क्या, ठीक है, मैं हूँ क्या। मुझे एक कहते हैं ना कि जब हम कर्मा करते हैं, ठीक है, जब हमें कर्मों का फल मिलता है ना पाइल टू, तो आपका वही है रिकवरी, ठीक है, पाइल टू रिकवरिंग, आपकी हर चीज़ में आपको रिकवरिंग यहाँ पर आप देख रहे हो, क्योंकि आपने है ना अपने लिए सेल्फ लव, अपने लिए जीना, अपने लिए टाइम निकालना, अपने लिए करना, वो सबसे ज़्यादा मेन हो जाता है हमारे लिए, ठीक है।
यहाँ पर आप नेचर से काफ़ी कनेक्शन है, आपका कुदरत से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है, आपका बर्ड से काफ़ी अच्छा कनेक्शन है यहाँ पर आपका, ठीक है। एक कहते हैं ना, एक एंजल्स और प्रभु से आप काफ़ी एक अच्छा कनेक्शन में यहाँ पर देख रही हूँ आपका, ठीक है। आपको है ना, आपको चीज़ें तो मिली हैं, गिफ्ट तो कुछ मिला है आपको अभी, ठीक है, कुदरत की तरफ से। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, आप बिल्कुल बहुत एक ऐसी सोल हो आप पाइल टू, कि आप बहुत एक ममता से भरे हुए हो। एक कहते हैं ना, जैसे हमारे माँ होती है ना, हर चीज़ को जैसे संभालती है, एक कोई भी चीज़ें अपनी जैसे इधर उधर नहीं होने देती है, कि आपकी जो चीज़ें प्यारी हैं ना, जो जिसको बहुत ज़्यादा लगाव है आपको, वो किस तरीके से संजो के हम रखते हैं, किस तरीके से हम उसको कहते हैं ना दिल से लगा के हम रखते हैं, तो वो सारी उसमें चाहे कुछ भी आ जाए, चाहे आपकी फैमिली आ जाए, चाहे आपके कुछ भी आ जाए वहाँ यहाँ पर आपका, ठीक है। एक बहुत ज़्यादा दिली तमन्ना थी आपकी कि मैं कब अपने अपने पैरों पे खड़ा होऊंगा या होंगी, या कब मुझे वो सारी चीज़ें मिलेंगी, खुशियाँ पूरी होंगी मेरी यहाँ पर, जो मैं चाहता हूँ यहाँ पर। तो वो पता है वो खुशियाँ आपकी कैसे पूरी हुई हैं यहाँ पर पाइल टू में, आपको बताऊँ, वो भी सिर्फ आपको आप ही की वजह से मिली है या मिलेंगी आगे, ठीक है। आप है ना, आपके अंदर है ना, क्योंकि आपका यहाँ पे अभी मैं पाइल टू आपके लिए बताऊँ कि आपका रूट चक्र पहले बहुत ज़्यादा ब्लॉकेज थे उसमें, जिसकी वजह से आप जो चीज़ें चाहते थे ना, वो चीज़ें आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से आप उन सब चीज़ों से दूर 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 और दूर होते चले जा रहे थे, ठीक है। लेकिन जैसे फिर जैसे जैसे आपने अपने ऊपर काम करना शुरू करा, ठीक है, आपका ध्यान, कहते हैं ना कुदरत, वो खेल वही खेलता है, आपका ध्यान ऑटोमेटिक बहुत सारी चीज़ों से हटाकर आपकी चीज़ों पे लगाया गया, ठीक है, कि बच्चे अपने ऊपर ध्यान दो, सेल्फ लव करो, अपनी चीज़ों के बारे में जानो, समझो। जब आपने काम किया तो कहते हैं ना, उसका फ्रूट भी आपको यहाँ पर मिला है, काफ़ी चीज़ें आपकी रिकवरी हो रही है, एक कहते हैं ना, और उन सब चीज़ों को लेके आपकी एक जैसे कुछ चीज़ें दबी हुई रहती है, मिट्टी डली हुई रहती है, तो धीरे धीरे आपने उसको साफ़ किया है, मिट्टी हटाई है, उस पर पॉलिश की है, उसको चमकाया है, वही आपने यहाँ पर किया है पाइल टू, ठीक है। जिसकी वजह से जो कहते हैं ना, मेहनत का फल वो आपको दिया गया है, और काफ़ी खुश हो उन सब चीज़ों के लिए लेकर, आप अपने आप को जानते हो, पेज ऑफ सोर्स। डेफिनेटली काफ़ी आपने है ना, एक सिचुएशन को बहुत बेहतर तरीके से आपने फेस किया है, कि आपके अंदर ये भी चीज़ें हैं कि किस सिचुएशन में मुझे कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, कैसे हैंडल करना है। अगर आपके ऊपर पाइल टू, अगर आपके ऊपर कोई मतलब तीखे तीखे वाण करता है ना, तीखे तीखे शब्दों से कोई आपको कहते हैं ना चोट पहुँचाना चाहता है, और एक कहते हैं ना अटैक करना दूसरों के ऊपर, तो आप भली भांति जानते हो कि मुझे उस सिचुएशन से कैसे निपटना है और कैसे निकलना है और किस तरह से हैंडल करना है। एक वो चीज़ें हैं आपके अंदर, ठीक है, क्योंकि आपको है ना, आपको अपने ऊपर बहुत विश्वास है कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। हाँ, ये चीज़ें हैं आपकी, ये चीज़ें हैं आपकी पाइल टू। बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, जिसका कहते हैं ना, खुश होके भगवान हमको आशीर्वाद देते हैं, ब्लेस्ड करते हैं हमें, तो वो सारी चीज़ें हैं। जब हम भगवान के नज़दीक होते हैं तो हमें कुदरत की दी हुई चीज़ों से ही प्यार होता है, पाइल टू वही है आपका, आपको कुदरती चीज़ों से ज़्यादा लगाव है अब, ठीक है। आपके पास कुदरती चीज़ें भी हैं, मैं पाइल टू ये बताऊँ, और मेटलिस्टिक चीज़ें भी हैं यहाँ पर। देखो, रहने के लिए हमें हर चीज़ चाहिए, बिना पैसों के हम कुछ नहीं कर सकते, अरे खाना भी तो चाहिए ना, तो वो कहाँ से आएगा। तो आप उस चीज़ को भली भांति जानते हो, ठीक है, कि मेरे पास कब कितना कैसे होना है, मैं कब कैसे खुश रहूँगा, क्योंकि आपकी एक दिली तमन्ना थी कि मैं एक फाइनेंशियली
स्ट्रॉन्ग हो सकूं, मेरे पास एक मिनिमम चीज़ें हों जिसे मैं इंजॉय कर सकूं, वो चीज़ें आपको मिली हैं। अभी आप काफ़ी खूबसूरती के साथ अपनी चीज़ों को मैनेज भी कर पा रहे हो यहाँ पर पाइल टू, ठीक है। जैसे मैसेज मैच हो प्लीज़ उस तरीके से लेना यहाँ पर, ठीक है। आप जानते हो अपने बारे में बहुत कुछ। 10 of cups बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर देखो आपको है ना, आपको पाइल टू, आपको हर खुशी से यहाँ से नवाजा जा रहा है, भर भर के आपको प्यार दिया जा रहा है, भर भर के ब्लेसिंग्स यहाँ पर आपको दी जा रही हैं। अब वो कहाँ से मिल रही है, क्यों मिल रही हैं, आपके अंदर ये क्वेश्चन बार बार आते होंगे, ठीक है। और लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये आप सोचते हो कि क्यों आ रही कहाँ, ये डियर सिर्फ आप ही का, आपके कर्मा कहते हैं ना, कर्मा आते हैं, कर्मा ही हमें सब कुछ देता है, कहते हैं ना, हमारे पास एक रुपया भी आया है तो ये समझ लो वो भी आपके डेस्टिनी में था, आपकी किस्मत में था, तो यह सब आपकी डेस्टिनी में था। और डेस्टिनी कैसे बनती है, हमारी किस्मत कैसे बनती है, वो कर्मों से ही बनती है। वो कहते हैं ना धीरे 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 एक हमारी जैसे कर्म इकट्ठे होते रहते हैं ना, ऐसे ही धीरे धीरे हमारी वो चीज़ें भी फिर बाहर आने लगती हैं। तो आपके अच्छे कर्मों का फ्रूट आपको मिला, आपको हर चीज़ में रिकवरिंग मिली। रिकवरिंग कहाँ मिली आपको, आप है ना काफ़ी पीस और शांति महसूस कर पा रहे हो, काफ़ी प्यार है आपके अंदर, काफ़ी एक इमोशनली सेटिस्फेक्शन भी मैं यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ पाइल टू, ठीक है। यहाँ पर है ना आप थोड़ा सा अपनी फैमिली को लेके भी बहुत ज़्यादा कि हाँ मैं मेरी फैमिली को बहुत ज़्यादा खुश यहाँ पर देखना चाहता हूँ, काफ़ी एक चीज़ें हैं जिसे मैं बैलेंस करना चाहता हूँ फैमिली के लिए भी, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी आप यहाँ पर करते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है। ये देखो पाइल टू आप है ना, आपने पास्ट में जो देखना था ना तब आप अपने आप को नहीं जानते थे, आप आपके अंदर ये बताऊँ ना मैं कि आपके अंदर हर चीज़ को करने का जज्बा है, जिस चीज़ का आप ठान लेते हो ना करने के लिए वो चीज़ें आपको मिलती ही मिलती हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको है ना ज़िद्दी कहते हैं ना ज़िद्दी, हाँ वो ज़िद्दीपन थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपके लिए मैं देख रही हूँ कि जब हम किसी चीज़ को दिल से चाहने लगते हैं ना, दिल से हम किसी काम को करने लगते हैं तब वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हम कहते हैं ना साइड हो जाती है और हम उसी की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ पर बहुत ज़्यादा आप सबके प्यारे हो सकते हो, लार दुलार आपको मिलता होगा, ठीक है। और यही है आपका 10 of swords, 10 of swords बिल्कुल डेफिनेटली मैं जो बता रही हूँ कि पास्ट में आपने बहुत ज़्यादा आप एक उससे पहले जो मैंने टाइम पीरियड आपका बताया था उससे पहले काफ़ी एक पेनफुल सिचुएशन से आप बाहर आए हो, ये सब उसी का है, एक ये उसी का वो है। उससे पहले आप अपने आप को नहीं जानते थे, नहीं समझते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आप हर्ट हुए हो किसी चीज़ से, एक कहते ना किसी चीज़ की किसी चीज़ का अंत कहते ना अंत होना, वो आपका अंत पता है पाइल टू कैसा हुआ है, वो अंत आपकी गंदी चीज़ों का हुआ है, एक आपकी सफाई की गई है, अंदरूनी चीज़ों का क्लीन करना, ठीक है। जैसे क्लींजिंग नहीं की जाती है ऐसे आपकी की गई है। और जब यकीन मानो जब हमारी कुदरत जब हमें क्लीन करता है, जब हमें प्योर करने पे लग जाता है, जब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन होता है वहाँ पर हम बिल्कुल सुधबुद घूम जाते हैं, ना ही हमें होश रहता है ना हवास होता है। ये सिचुएशन आपकी थी, आपको बहुत मतलब एक आपको अपनी पावर में उन्हें लाना था, आपको समझाना था कि आप एक्चुअल में कौन हो, ठीक है। अगर कुछ उनको ये बताना था कि अगर कुछ चीज़ें आपको चाहिए तो बच्चे उसके लिए तप भी करना पड़ेगा,
और तप से ही सब कुछ है, वो तप आपने किया है, ठीक है। बिना मेहनत के, बिना स्ट्रगल के तो कुछ भी नहीं मिलता है। हर चीज़ में देखो टाइम लगता है, अपना पेशेंस लगता है, तप लगता है, अपनी एक इच्छा होती है, डिटर्मिनेशन होती है कि हाँ हमें क्या चीज़ें लेनी है, क्या नहीं लेनी है, ठीक है। डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा, मतलब वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ की इच्छा थी आपकी, तो भगवान ने आपको बोला कि आप है ना, आप ऐसे इंसान हो कि आपने कि किसी चीज़ और मांगने से तो बेहतर है कि अपने ऊपर काम करना है, अपने अपने लिए जीना है। कहते हैं ना सेल्फ लव किया आपने ज़बरदस्त, कि हाँ पहले बहुत सोच विचार करा, आपको हिलाया गया कुदरत की तरफ से, आपको बताया गया, ठीक है, आपको एक पीस और शांति में ले जाया गया और बहुत सारी चीज़ों को आपको समझाया गया है यहाँ पर। एक कहते हैं ना एक दुनियादारी सीख लेना, यहाँ पर वो सारी चीज़ें मैं आपकी देख रही हूँ। काफ़ी आपका वो कहते हैं ना, आपको क्लीन किया गया है, हर चीज़ से क्लीन किया गया है। आपने शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में बहुत सारी चीज़ों को बिठा के रखा हुआ था, बहुत सारी आपकी चिंताएं थी, परेशानियां थी, तो उन सब चीज़ों से आपको निकाला गया है, आपको पीस और शांति में आपको ले जाया गया है यहाँ पर, ठीक है। ये एक कहते हैं ना कि बिना कुदरत की मर्जी के कुछ नहीं हो सकता पाइल टू, तो यहाँ पर वही है सारी चीज़ें आपकी, कि आपने है ना एक खुद भी जब हम नहीं उठते हैं तब तक हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता। बहुत सोच विचार किया, बस बहुत हुआ, अब आगे बढ़ना है, आगे चलना है, किसी की नहीं सुनना है, ना किसी की तरफ देखना है। वो कहते हैं ना अपने लिए जीना है, ठीक है। आपने है ना सब कुछ छोड़ के, सब कुछ कहते हैं ना कि जब हमारे अंदर बदलाव आते हैं, हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों को हम पीछे की तरफ छोड़ देते, सिर्फ हमारा फोकस आगे की तरफ यहाँ पर होता है। आपने आपने है ना बहुत सारी चीज़ों को छोड़कर मूव ऑन कर सिर्फ अपने ऊपर यहाँ पर ध्यान दिया, अपने ऊपर काम किया, ठीक है। एक अपने लिए जीना, वो एक्शन आगे की तरफ बढ़ जाना, सिर्फ आगे की तरफ यहाँ पर बढ़ना। वो कहते हैं ना कि जब हम किसी का हाथ थाम लेते हैं, जब हम किसी ऐसी शक्ति का हाथ थामते हैं कि हमें आगे की तरफ बढ़ाती है, तो फिर हम उसकी तरफ खींचते चले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें हैं कि एक सपोर्ट मिला आपको आपकी एक बेड सिचुएशन से, और आप फिर उसी की तरफ गए और आपने बहुत ज़्यादा अपने ऊपर काम किया, और आपका हार्ट ब्रेक भी हुआ था पाइल टू, ठीक है। तो आपने वो कहते हैं ना कि उन सब चीज़ों में परेशानी में घिर के आपने अपने लिए जीना नहीं छोड़ा, लेकिन हाँ आपने हिम्मत भी नहीं छोड़ी, आप आगे की तरफ गए हो, सेल्फ लव किया है, और आप जो चाहते थे अपने जीवन में वो सारी चीज़ें आपने अपने तरीके से अपने बलबूते पे यहाँ पर ली है। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, वेरी गुड। और क्या बोलूँ बताइए आप में, हीलर ऑफ द एजेस, बिल्कुल। जब कहते हैं ना कि जब हम कुदरत पे विश्वास करने लगते हैं, एंजल्स भगवान ईश्वर पे विश्वास करने लगते हैं, तब वो हमारी लाइफ में क्यों ना हमें संभालेगा, क्यों ना हमें बैलेंस देगा, क्यों ना हमें वो सारी चीज़ें देगा जो हम चाहते हैं। आपको आपको पता है आप दिल के बहुत सच्चे हो, बहुत प्यारे हो दिल के आप, और आपके अंदर ऐसी पावर है, ऐसी शक्ति है कि जो चीज़ चाहो ना आप वो कर सकते हो। आपने दिल से चाहा था कि मैं किसी की हेल्प कर सकूं, मेरे पास इतना हो कि मैं किसी को ना कर सकूं, ठीक है। आपका मेरा जो दिल चाहता है मैं वो कर सकूं, आपको यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। आप जानते हो शायद इस चीज़ को बेहतर तरीके से कि आपको फाइनेंशियली कुछ इश्यूज थे जिसकी वजह से बहुत सोच विचार किया आपने, और काफ़ी उन सब चीज़ों में आपको रिकवरिंग भी आपको देखने के लिए मिल रही है या आगे होगी आपके, ठीक है। यहाँ पर आपको आपके हाथों में बहुत ज़्यादा वो कहते हैं ना, एंजल्स ने आपको बहुत हील किया, एक संभाला, एक सेल्फ लव, जब कहते हैं ना एक बहुत बड़ा बदलाव था ना, जब एंजल्स ने आपको बहुत सारी चीज़ों को आपकी चीज़ें उन्हीं के हाथ में थी, उन्होंने ही आपको बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रखा था ताकि आप भटको नहीं अपने रास्ते से,
अब जाओ और आगे की तरफ जाओ, जो चीज़ें आप पाना चाहते हो वो आपको मिले यहाँ पर। ठीक है, ये आपके कार्ड्स आपके लिए यही बोल रहे हैं पाइल टू। ठीक है, मैं एंजल से ओढ़ लूँगी यहाँ पर। डेफिनेटली आपने बहुत कहते हैं ना कि जब आपका, यहाँ पर मैं एक चीज़ और देख रही हूँ आपकी, कि आपका सोलर प्लेसेस चक्रा काफ़ी एक्टिव है, आपका थर्ड आई भी बहुत एक्टिव है यहाँ पर। ठीक है, एमेथिस्ट आप, हाँ थर्ड आई बिल्कुल डेफिनेटली आप बहुत एक्टिव है आपका। आप जो भी मैनिफेस्ट करोगे ना पाइल टू, वो ज़रूर आपके साथ होंगी वो सारी चीज़ें, सिर्फ आपको सोचना है और यूनिवर्स में आपको भेजना है बिल्कुल क्लियरिटी के साथ में, बिल्कुल एक बैलेंसिंग उसमें, जिससे जितना जितना आप बैलेंस रखोगे अपने आप को, उतने ही हर चीज़ में आपको सिचुएशन और बैलेंस नज़र आएगी। एंजल ऑफ ब्यूटी यहाँ पर देखो, एक यहाँ पर आप शायद जानते नहीं हो, आप बहुत खूबसूरत हो, बहुत एक लोगों को आपके अंदर प्योरिटी नज़र आती है, बहुत सच्चाई आपके अंदर नज़र आती है, बहुत एक केयरिंग सोल हो आप, जो लोगों की हेल्प करते हो, बहुत खूबसूरती के साथ आप लोगों को परेशानियों में से निकालना आपको शायद अच्छा भी लगता होगा। ठीक है, देखो बेवजह ही कुदरत ऐसे लोगों की हेल्प नहीं कर देता है। ठीक है, कोई वजह होती है हर सोल की। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, एंजल ऑफ पॉजिटिव चेंजेस, बिल्कुल डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आपने खुद ने किए हैं और वो एंजल्स की निगरानी में हुए हैं यहाँ पर। एंजल ऑफ हीलिंग, बिल्कुल यहाँ पर देखो आप एक है ना, आपके अंदर ऐसी कुदरती चीज़ें भी हैं जिससे कि आप दूसरों की चीज़ों को भी हील कर सकते हो। ठीक है, एक हीलिंग पावर है आपके अंदर, इस चीज़ को आप शायद जानते हो या ना जानते हो। ठीक है, अगर आप एंजल से प्रेयर करते हो, एंजल रेफियल से आप प्रेयर करते हो, तो डेफिनेटली आप अपनी हीलिंग तो कर सकते हो, आप दूसरों की भी कर सकते हो। रेजियल, एंजल ऑफ स्पिरिचुअल इंसाइट, बिल्कुल डेफिनेटली यहाँ पर आपको है ना, जो मैं बोल रही हूँ इतनी देर से, कि यहाँ पर आपको डेफिनेटली कुछ गिफ्ट तो आपको मिले हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पिरिचुअल गिफ्ट की वजह से आप काफ़ी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई हुआ है। एंजल ऑफ गुड न्यूज़ पाइल टू, एंजल आपको यहाँ पर आने वाले टाइम में बहुत बहुत गुड न्यूज़ और आपको देने वाले हैं। सिर्फ आपको करना क्या है, इन्जॉय करो अपनी लाइफ के साथ, अपनी चीज़ों के साथ। अभी जो गिफ्ट आपको मिले हैं, कुछ चीज़ें जो आपने रिकवरिंग हो रही है आपके साथ, जिस प्लेस पे भी हो रही है, जिस जगह हो रही है, उस चीज़ को वहाँ पर आपको इन्जॉय करना है। ठीक है, और बहुत प्यारी रीडिंग थी पाइल टू, बहुत प्यारी, कि शायद आप जानते हो इस चीज़ को, आप अपने आप को जानते हो कि आप कौन हो। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत बहुत सुंदर। तो पाइल टू मैं इस रीडिंग को यहीं पे क्लोज करती हूँ। आई होप आपसे रेजोनेट हो, अगर रेजोनेट होती तो प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच एंड बाय पाइल टू।